राजस्थान में कांग्रेस की सियासत फिर से तेज होती जा रही है। वजह पायलट गुट के नेताओं की अनदेखी है। हालांकि पायलट गुट के नेताओं और विधायकों को उचित सम्मान देने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन अब तक उस कमेटी की न तो कोई रिपोर्ट आई है और न ही कुछ हुआ। इस बात को लेकर पायलट गुट का एक बार फिर से कांग्रेस से मोह भंग होने लगा है। प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से 2 माह पहले पायलट की घर वापसी हुई थी और पायलट कैंप की शिकायतों या मांगों पर फैसला लेने के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन की कमेटी बनाई गई थी। अब तक कमेटी की 3-4 बैठकें भी हो चुकी हैं। कोरोना संकट के कारण ज्यादातर वर्चुअल बैठकें हुई। सचिन पायलट, अजय माकन की भी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। इस बीच अहमद पटेल और अजय माकन कोरोना की चपेट में आए। 3 सप्ताह बाद अब माकन पूरे तौर पर स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन अहमद पटेल अभी भी कोरोना उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। कुल मिलाकर निकट भविष्य में 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आने की कोई संभावना नहीं है। आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और पीसीसी का पुनर्गठन? आखिर कब एडजस्ट होंगे पायलट कैंप के विधायक इन 3 स्थानों पर, जबकि 2 माह से बागी विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं? और इसी बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी। नियुक्त लोगों में से ज्यादातर गहलोत के पुराने वफादार हैं। इन नियुक्तियों में पायलट कैंप का कोई आदमी नहीं है। इस घटनाक्रम से पायलट कैंप का और ज्यादा मूड उखड़ गया है। फोन टैपिंग प्रकरण में पायलट के मीडिया एडवाइजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर से भी पायलट गहलोत के बीच रिश्ते और बिगड़े हैं। वैसे भी घर वापसी के बाद भी पायलट कैंप का मन कांग्रेस में लग नहीं रहा है। मुख्यमंत्री और पीसीसी से बागी विधायकों ने अभी तक एक अजीब किस्म की दूरी बनाकर रखी है। खुद पायलट नेतृत्व के प्रति आ रही निराशा और भरोसा टूट रहा है। दूसरी ओर गहलोत कैंप के लोग बागी विधायकों को साधने में जुटे हैं। ऐसे में धीरे धीरे पायलट कैंप के शेष विधायकों की भी गहलोत कैंप की ओर लौटे जाने की संभावना जताई जा रही है। इन सब घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट कैंप अब एक बार फिर से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है।